जिला सूचना भवन बोकारो में मीडिया कर्मियों को दिया गया कोरोना का वैक्सीन। झारखंड सरकार की पहल पर बोकारो जिला प्रशासन के आदेश के बाद अब जिले के मीडिया कर्मियों को भी कोरोना का वैक्सीन दिया जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज शनिवार 11 बजे से की गई है। इस कारण जिले के कई प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकारों ने आज कोरोना का पहला वैक्सीन का डोज लिया। जिला प्रशासन के द्वारा सुविधाओं को देखते हुए जिले में दो जगह पर पत्रकारों के लिए कोरोना का वैक्सीन दिए जाने का स्थान निर्धारित किया गया है, जहां चास अनुमंडल क्षेत्र के पत्रकारों के लिए बोकारो जिला सूचना भवन में वैक्सीन दिया जाना है। वहीं बेड़मो तेनुघाट अनुमंडल के लिए बेड़मो अनुमंडल अस्पताल व तेनुघाट में वैक्सीन दिए जाने का स्थान निर्धारित किया गया है। वहीं आज पहले दिन ही पत्रकारों ने बढ़ चढ़ कर कोरोना का वैक्सीन लिया। जैसा नॉर्मल लेने के पहले हमको महसूस हो रहा था, वैसा लेने के बाद भी महसूस हो रहा है। और मैं आपके इस माध्यम से लोगों को यह आग्रह करूंगा कि देश की जो मुहिम है, उस टीकाकरण में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और सभी लोग टीका लें। किसी भी तरह की कोई डर नहीं है। किसी को अगर किसी के दिमाग में कुछ वैसा चल रहा है तो ये बिल्कुल ही जो है बनावटी बातें हैं। आप बिल्कुल निर्भर होकर आप आएँ और यहाँ पे टीकाकरण आज तो चूँकि सरकार के आदेश पे सभी पत्रकारों को टीका लग रहा है, ये काफ़ी अच्छी पहल है सरकार की। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री से ये आग्रह करूँगा कि सिर्फ टीका से ही काम नहीं चलेगा, पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर में उनका दर्जा दे ताकि पत्रकारों के हित में हो। क्योंकि जैसा आपको पता है कि हमारे झारखंड में लगभग दर्जन से ज़्यादा पत्रकारों की जो है इस कोरोना में काल में काल में सलाह लेंगे, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूँगा कि हम पत्रकारों को भी ध्यान दें। क्योंकि जो हमारे साथी आज नहीं हैं उनके परिवार पे क्या बीत रही होगी, ये सोचने वाली बात है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूँगा कि हमारे सभी पत्रकार जो भी बढ़ चढ़ के इस विपदा की घड़ी में आगे काम कर रहे हैं, लोगों तक खबरें पहुंचा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो उनके परिवार पे भी ध्यान दिया जाए जो हमारे मित्र नहीं रहे, और पत्रकारों को फ्रंटलाइनर वर्कर का दर्जा दिया जाए। क्योंकि यह बहुत ही ज़रूरी है, जिस तरीके से हमारे पत्रकार भाई क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, कोरोना से उनकी मृत्यु हो रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री से मेरा यही आग्रह है कि आप हमारी बातों पर ध्यान दें। चूँकि हम इस सरकार की हर योजनाओं और जो भी आप करते हैं उसको हम लोग सराहना करते हैं या फिर उसके हम लोगों तक पहुँचाने का। एवरी वेलकम, you've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi. दो गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? हाँ? नहीं सुना, आइए समझाते हैं। देखिए, दो गड्ढा बनाइए, पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा, और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे, शौचालय दो गड्ढों वाला ही बनवा।